गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी एजुकेशनल। फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 में फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखने वाले हैं और फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम याद करने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आए हैं। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब थोड़े नहीं होते फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि हमको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे और किस तरीके से याद करें ताकि हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ हों और टेंस बनाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं जब हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं पता होती हैं। तो फ्रेंड्स देखें, फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलें देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, देखें ये लेक्चर नंबर 4 है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फ्रेंड्स इस फॉर्म्स ऑफ वर्ब को मैंने 4 ग्रुप में बांटा हुआ है, ए बी सी और डी। और फ्रेंड्स जितने भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, तो इसको आप इस अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी नोटबुक पर कॉपी कर लें और उसको पर डे 3 या 4 या 5 बार आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखें क्या है। ग्रुप ए है, इसमें देखें इसके तीनों फॉर्म्स जो होते हैं ये अलग अलग हैं। क्या है? ड्राइव, ड्रो, ड्राइव इन। तो इसके तीनों फॉर्म्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है या अपनी नोटबुक पर कॉपी कर लेना है। हाँ तो ये यहाँ से इतना है और आगे भी देखें, अभी और हैं ग्रुप ए। हाँ यहाँ से लेके इतना यहाँ तक भी ये ग्रुप ए ही है। देखें तीनों फॉर्म्स इसकी अलग अलग होती हैं। अब देखें ग्रुप बी जो है, अब देखें ग्रुप बी में तीनों फॉर्म्स अलग अलग नहीं होती हैं। इसकी पहली फॉर्म जो होती है वो अलग होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो एक जैसी होती है। देखें यहाँ पे, हाँ सेकंड थर्ड फॉर्म जो होती है वो एक जैसी होती है। फ्रेंड्स आगे भी देखें, अभी ग्रुप बी और है। हाँ यहाँ भी देखें, ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो अलग है, सॉरी एक जैसी है। हाँ और फ्रेंड्स एक बात और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे मैंने रीड लिखा हुआ है क्योंकि तीनों फॉर्म तो इसकी एक जैसी होती है, लेकिन फ्रेंड्स ये रीड सेकेंड और थर्ड फॉर्म में रीड को हम रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने प्रोनाउंस्ड लिख दिया, रेड लिख दिया है, यहाँ भी प्रोनाउंस्ड जो है वो रेड लिख दिया है, रीड रेड रेड, तो इसलिए मैंने इसी में लिख दिया है। और फ्रेंड्स देखें ग्रुप सी, अब ग्रुप सी में देखें फ्रेंड तीनों इसकी जो फॉर्म्स होती हैं ये एक जैसी ही हैं, बेट बेट बेट, हाँ कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, हाँ तो ये इतने हैं हमारे ग्रुप सी। और फ्रेंड देखें हम ग्रुप डी जो है, हाँ ये है ग्रुप डी। ग्रुप डी में ये 4-5 ही मैंने लिखे हैं, ग्रुप डी बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़े नहीं होते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा होते हैं, एट्सेट्रा मैंने लिख दिया है। तो ये ग्रुप डी जो है फ्रेंड, ये ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी जो है, हमें इन तीनों को पूरा याद कर लेना है और उसके बाद जितनी भी फॉर्म्स बचती हैं उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ई डी जोड़ कर हम उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। तो ये हमारा ग्रुप डी जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड ये ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इसको याद करना ना भूलें, इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है और किसी भी चीज़ को हमें हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ती है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसको आप पर डे ज़रूर देखते रहें ताकि आपका जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म वाली जो प्रॉब्लम्स है ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाए। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।